यकीन नहीं करोगे, ये इंसान और ये इंसान सेम है। इस इंसान ने CAPF निकाला है, ऑल इंडिया रैंक 18 निकाली है, और ये इंसान आपके सामने ये बताने आ रहा है कि भाई अगर तुम CDS की तैयारी कर रहे हो, तुम CAPF की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। CDS और CAPF एकदम आपको सिमिलर लगेंगे, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है आपके सामने। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैथ्स के आपने ये टॉपिक पढ़े होंगे, आपने CDS में ये सारे के सारे टॉपिक आपको CAPF में मिलेंगे एग्जैक्टली, छपे छपाए तो बहुत कम है। अगर आप CDS से कंपैरिजन करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओनली 7 टॉपिक्स आर देयर टू डू, और यहाँ पर आपके टोटल 20 क्वेश्चन बैठ जाते हैं यहाँ पर इसको और रीजनिंग को मिलाकर। बहुत सही है, आपको यकीन नहीं होगा, मैं बहुत शौक था जब मैं CDS और CAPF को देख रहा था। यहाँ पर जो आपका CAPF होता है, इसमें आपकी फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायो होती है, सेम वेटेज है जो कि आपकी CDS में, सेम 30 क्वेश्चन के आसपास ही आता है। देन आपकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबका वेटेज सेम है जो कि CDS में। पेपर निकालना बहुत आसान है, CAPF का पेपर 1 और CDS का GS पेपर एकदम डिट्टो सेम है। अगर आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, और मैं इन्हीं को लेकर आया हूँ, इनकी मदद से हम ये सीखेंगे पेपर 1 पेपर 2 में करना कैसे है। चलो मुलाकात करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर, मैं आपसे सीधे सीधे बात करता हूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ा सवाल है, CDS और CAPF में मतलब मुश्किल कौन सा है? CDS और CAPF में वैसे देखा जाए तो अगर CDS का इंग्लिश हम लोग हटा ले और मैथ्स हटा ले, तो अगर इफ वी ओनली टॉक अबाउट जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज पार्ट, तो CAPF का जनरल स्टडीज लगभग 1-2 लेवल ऊपर चला जाता है। इतना भी मुश्किल नहीं है कि सिविल सर्विसेज जितना, लेकिन 1-2 लेवल ऊपर चला जाता है जिसके लिए आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना पड़ता है। CDS का प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, CAPF के थोड़े से और एनालिटिकल आते हैं। ओके, फेयरली एनफ सर, बट अभी भी मेरी बात मतलब क्लियरिटी नहीं हुई। देखिए, अगर मैं उसका GS का पेपर बात करूं, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब आ रहा है, प्लस करंट अफेयर। आपका पेपर 1 उससे भी ज्यादा एक ऊपर है। पेपर 1 क्या कहता है, मैं मैथ्स भी लूंगा, मैं रीजनिंग भी लूंगा। ये क्या है मतलब, अब बच्चा कैसे पढ़ेगा? मुझे तो ये बात तो बहुत ही घूमने वाली लग रही है कि ये तो कैसे हो सकती है तैयारी, ऊपर से टाइम कम है। नहीं, बेसिकली जो CDS का तैयारी है ना, उसके ऊपर कई तैयारी है। अगर आपने CDS के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स के लिए प्रिपेयर किया है, वो मैथ्स यहाँ पे भी काम में आएगा। इनफैक्ट CAPF का मैथ्स छोटा है, प्रेडिक्टेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो पता चल जाएगा कि सेम पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, प्रेडिक्टेबल है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एंड यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन सारा का सारा मिलकर अप्रोक्सीमेटली 15-20 क्वेश्चन आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, 125 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मैथ्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अप्रोक्सीमेटली 60-70 क्वेश्चंस जो है जो जनरल स्टडीज के है, यहाँ पे आएंगे एग्जैक्ट CDS की तरह वन लाइनर वाले। लेकिन 30-40 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे विच विल बी एनालिटिकल, जिसका परसेंटेज CDS में काफी कम है। इवन दो CDS का भी आपने अगर देखा तो अभी लेवल इंप्रूव हो रहा है, इनफैक्ट CDS इज अभी CAPF लेवल में जा रही है, और CAPF सिविल सर्विसेज के लेवल में थोड़ा-थोड़ा जाते हुए दिखाई दे रहा है पिछले 4-5 साल के ट्रेंड में। Okay. तो प्रिपरेशन सभी सेम है, मतलब बुक सेम है, बस पढ़ते वक्त आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि CDS में शायद आपको रेडीमेड स्टडी गाइड से आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि CDF का मेन मेरिट जनरल स्टडीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो करता है मैथ्स और इंग्लिश के ऊपर, जिसमें स्कोर इंप्रूव किया जा सकता है, एंड सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क जनरल स्टडीज में लाके आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो। CAPF में वो स्कोप ही नहीं है। CAPF में पेपर 1 में आपको पूरा का पूरा स्कोर करना ही पड़ता है, पेपर 2 में भी स्कोर करना पड़ता है, दैट इज द मेन डिफरेंस। बेसिकली सेंट्रल एंड पुलिस फोर्सेस या CAPF, ये आर्मी नेवी एयरफोर्स जिसके लिए CDS नाम का एग्जामिनेशन है, और सिविल सर्विसेस मतलब IAS, IPS वगैरह, उनके लिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है। ये दोनों का सिलेबस मिक्स कर दिया है, क्योंकि इनका जॉब रोल भी है ना, ये एम्फीबियस, ये दोनों का रोल है, ये कभी आर्मी की तरह रोल में भी रहते हैं, इनका बटालियन स्ट्रक्चर या रेजिमेंटल स्ट्रक्चर आर्मी की तरह है, लेकिन आधे टाइम तो ये काम पुलिसिंग का करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का करते हैं। इसीलिए इसको बेसिकली फ्यूजन किया गया है CDS का सिलेबस का और सिविल सर्विसेज का सिलेबस का पूरा मिला के, इसलिए इसका नेचर ऐसा है, मतलब यू आर हाफ ब्यूरोक्रेट, यू आर हाफ आर्म फोर्स। यस एग्जैक्टली, सो दैट इज व्हाई वी आल्सो वेयर खाकी यूनिफॉर्म, वी आल्सो वेयर कैमोफ्लेजेस। हां ठीक, मैं एग्री कर रहा हूं इस बात से, बट ना मैं बहुत कंफ्यूज हूं। अगर मैं CAPF की तैयारी कर रहा हूं तो मैं अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं,
पहली बात तो सर पेपर वन की बात करें तो उसमें मैथ्स कितना आ रहा है? मतलब मैं सुना है पेपर वन में से मैथ्स चार पांच ही टॉपिक आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, बस इतने ही आ रहे हैं, पूरा अर्थमेटिक भी नहीं आ रहा है। जबकि अगर सिलेबस देखा जाए वहां पर कहीं लिखा नहीं है कि मैं चार पांच टॉपिक ही ले रहा हूं, बट आप कहते हो पैटर्न चेंज नहीं होता। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैथ्स आता है ना, यहाँ पे मैथ्स आता है, सिर्फ मैथ्स नहीं है, बेसिकली अरिथमेटिक है, इसके साथ साथ रीजनिंग है, एंड इसके साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन है। ये चैप्टर्स बहुत सारे प्रेडिक्टेबल है और बहुत आउट ऑफ द सिलेबस कुछ आता भी है वो तो वैसे भी किसी को नहीं आता, मीन्स उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं है। टोटल क्वेश्चंस इसमें आएंगे अप्रोक्सीमेटली 15 to 20, ये 20 के ऊपर आजकल बिल्कुल क्रॉस नहीं कर रहे हैं, 15 के आसपास ही रह रहे हैं। सो टोटल क्वेश्चन इंक्लूडिंग मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स मतलब जिसको अरिथमेटिक बोलते हैं और रीजनिंग, ये हाफ हाफ डिवाइडेड है, एक दो तीन क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के, एक छः सात क्वेश्चन, आठ क्वेश्चन रीजनिंग के और छः सात आठ क्वेश्चन मैथ्स के। तो ऑब्वियसली अगर सात आठ ही क्वेश्चन पूछने हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हर एक चैप्टर से एक पूछा नहीं जा सकता। सो वॉट वॉट हैपन्स इज जो पेपर सेटर्स है दे ऑल्सो रेफर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड वो वही पैटर्न में क्वेश्चन पूछते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क, और वही पैटर्न में जैसे रीजनिंग में क्लॉक से रिलेटेड आएगा, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आएगा, रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, मिक्सचर एलिगेशंस, इतने ही में ही खत्म हो जाता है। सो अगर सीएपीएफ का मैथ्स का प्रिपरेशन करना है इजी वे में, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए बिना, कंप्लीट पूरा का पूरा सिलेबस किए बिना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अगर देख लोगे यू विल हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि हाँ इतने ही क्वेश्चंस आ रहे, इस ये पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे, इतना मैंने कर लिया, तो इट इज मोर देन इनफ। फेयर एनफ सर। सर मुझे एक बात बताइए, आपने तो पहले अटेम्प्ट में निकाला था, व्हाट वाज दैट ईयर, आपको कुछ याद होगा क्या? आई क्वालिफाइड इन 2012, आई क्वालिफाइड सीएपीएफ असिस्टिंग कमांडर 2012 एग्जामिनेशन विद ऑल इंडिया रैंक 80 ऑल इंडिया रैंक 18, बहुत बड़ी 80 बात है सर। 2012 से लेके 2022 में कुछ खास अंतर नहीं हुआ क्या पैटर्न में? यूपीएससी तो कहा नहीं जाता है हुआ है ना, अनप्रेडिक्टेबल काफी सर्विस काफी कमीशन। सारा अंतर हुआ है, बट मेनली जो अंतर होता है ना वो करंट पैटर्न में चलता है, मतलब यूपीएससी के सारे एग्जामिनेशंस में चेंज हो गया, सिविल सर्विसेज में चेंज हो गया, सीडीएस में भी चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल 2017-18 तक सीडीएस आप सिर्फ एक किताब पढ़ के या फिर आप ल्यूसेंट का जनरल नॉलेज पढ़ के भी पास कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते। तो ये ह्यूज डिफरेंस जो आया ना, इवन सीडीएस में भी अभी आपको डेडिकेटेडली एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, एटलीस्ट रेफर करना पड़ता है, तो ये जो पैटर्न में चेंज आया है वो कंसिस्टेंट है। द क्वेश्चंस आर गेटिंग मोर एंड मोर एनालिटिकल, क्वेश्चंस आर गेटिंग मोर एंड मोर कंफ्यूजिंग और थॉटफुल, या ट्रिकी क्वेश्चंस का जो रोल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है जो पहले था नहीं। तो और करंट पैटर्न जो चल रहा है सिविल सर्विस में भी सेम चल रहा है, एनडीए में भी सेम चल रहा है, सीडीएस में भी सेम चल रहा है, बेसिकली यूपीएससी कंडक्ट्स ऑल दीज एग्जामिनेशंस। तो ये जो यूपीएससी का फिलॉसफी जो है कि ये जो सोसाइटी जैसे बदल रहा है, समाज जैसे बदल रहा है, देश जैसे बदल रहा है, एंड अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, ये जो फिलॉसफी के साथ यूपीएससी चाहता है कि जो एस्पायरेंट्स है वो भी बदलने चाहिए। अगर सेम ही चीजें करते रहेंगे तो यूपीएससी को खुद को लगता है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो है, हमारे जो ऑफिसर्स है वो आउटडेटेड हो जाएंगे और नए आने वाले चैलेंजेस के साथ डील नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यूपीएससी इसमें कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ही लाता था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली ला रहा है, एंड इट इज कंसिस्टेंट विद द वेरी फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है सर, फेयरली ओके, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मेरे को आप ये बताइए कि अभी मेरे को ना क्लियर नहीं हो, जैसे मैं सीडीएस क्वालिफाई करता था, बहुत फ्रिक्वेंटली क्लियर करे हैं मैंने, बट मुझे अभी करना क्या है? मतलब सर मैं दोबारा एनसीईआरटी पढ़ूँ, दोबारा मैं मतलब पॉलिटी पढ़ूँ, दोबारा इकोनॉमिक्स पढ़ूँ, क्या कुछ अंतर है उसमें, या आई कैन जस्ट गो विद द पास्ट ईयर पेपर पेपर वन के लिए? यस, सो बेसिकली क्या है, अगर आपने सीडीएस क्वालिफाई किया है या आपका सीडीएस का प्रिपरेशन हो चुका है, एज फार एज साइंस इज कंसर्न 6 to 10 एनसीआरटीज आर मोर देन इनफ, एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न अगर आपने 11th 12th एनसीआरटी अच्छे से कर लिया, पहले जो किए थे वही उसको ठीक से रिवाइज कर लिया, दैट इज इनफ। एज फार एज करंट अफेयर्स इज कंसर्न सेम पैटर्न में सीएपीएफ का करंट अफेयर चलता है, पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, पर्सनैलिटीज, बुक्स, ऑथर्स, डेट्स, स्पोर्ट्स और डिफेंस, इधर यहाँ का करंट अफेयर्स भी खत्म हो जाता है, प्योरली फैक्चुअल करंट अफेयर्स है इसका भी। तो सेम करंट अफेयर्स करना है, लेकिन सीपीएफ में करंट अफेयर्स कैसा है रहता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द सीडीएस वन, तो आपका मार्च तक का करंट अफेयर्स हो गया होगा,
तो अभी आपको और 3 महीने का करंट अफेयर्स ऐड करना पड़ेगा, अप्रैल मई जून, क्योंकि सीएपीएफ में जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स मेनली आता है और उसमें भी अप्रैल मई जून का करंट अफेयर सबसे ज्यादा आएगा। सीएपीएफ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं अप्रोक्सिमेटली 15 से लेकर 25, ये पैटर्न चेंज होता रहता है यूपीएससी को जैसे मन में आए, लेकिन 15 से कम रेयरली आते हैं, 25 से ज्यादा रेयरली आए हैं। एंड सीएपीएफ में एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क है और हर एक मार्क काउंट होता है। तो अगर ये करंट अफेयर्स आपने फैक्चुअल करंट अफेयर्स अगर बहुत अच्छे से कर लिए तो अलग से आपको मतलब सीडीएस से आगे प्रिपरेशन सिर्फ सेम प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है आपने जो सीडीएस के लिए किया है। एज फार एज साइंस भी सेम ही पैटर्न में चलता है, सीएपीएफ के क्वेश्चन सीडीएस में रिपीट होते हैं, सीडीएस के सीएपीएफ में रिपीट होते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़े से सीएपीएफ में एनालिटिकल हो जाते हैं, पूरे के पूरे नहीं। सीडीएस के क्वेश्चन आर मोर फैक्चुअल, वन लाइनर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं। सीएपीएफ के सीएपीएफ में पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं अप्रोक्सिमेटली 18 से 22 तक आते हैं। अभी 18 से 22 जब क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से सीएपीएफ में लगभग 13-14 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, लेकिन 8-10 क्वेश्चन है ये एनालिटिकल आएंगे, मतलब ए एंड बी, बी एंड सी, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, जिसमें आपको सिलेक्ट द करेक्ट और सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऐसा करके ट्रू है फॉल्स है ऐसा करके आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया जाएगा। ये वाले जो क्वेश्चंस है ना ये सिर्फ सीएपीएफ में सारी फील्ड में मिलेंगे आपको, ज्योग्राफी में भी मिलेंगे, पॉलिटी में भी मिलेंगे एंड हिस्ट्री में भी मिलेंगे। तो यही बेसिकली इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर सीडीएस, अगर आपका आईएमए या आईएनए वगैरह था भी नहीं, मतलब आपने मैथ्स से प्रिपेयर नहीं किया, तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेडली लिमिटेड मैथमेटिक्स और रीजनिंग करना पड़ेगा, ये आपको अलग से करना है। एज फार एज करंट अफेयर्स आपको आगे का करंट अफेयर्स कंटिन्यू करना है, एज फार एज बाकी के सारे सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा थरोली पढ़ना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर कर दोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा दोनों में क्या है। और आपको रेयर चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना है सीएपीएफ का, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर 159 वैकेंसीज थी तो कट ऑफ मेरे हिसाब से अप्रोक्सिमेटली 136-137 के पास गया है, जब उसके पहले 209 वैकेंसीज थी अप्रोक्सिमेटली 125 के आसपास गया है, उसके पहले 117 में गया है, जब वैकेंसीज 300 क्रॉस कर गई तो 95 के आसपास वैकेंसी कट ऑफ गया। सो मेरे हिसाब से दिस ईयर वैकेंसीज आर प्रेटी गुड, पिछले 2 सालों से काफी अच्छा है और उसमें बढ़ने का भी चांसेस बहुत ज्यादा है। सो मेरे हिसाब से इस साल का कट ऑफ अगर वैकेंसीज 253 रहती भी है तो 125 के आसपास ही रहेगा, इतना कंपटीशन में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, और 50 बढ़ जाती है तो 116-117 भी जा सकता है। सो बेसिकली 50% मार्क लाना अगर आप ला पाते हो तो यू हैव अ फेयरली गुड चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, आपको बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोचना नहीं है। सीएपीएफ के क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, साइंस के डिफिकल्ट रहेंगे ही सीडीएस से ज्यादा, लेकिन आप रेयर क्वेश्चन के ऊपर काम करने के लिए जाएंगे, आप उनको स्किप भी करते हो तो भी आप आराम से एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो। ओके फेयर इनफ, मुझे बहुत सही समझ में आ गया कि सीडीएस से सीएपीएफ पे कैसे ट्रांसफॉर्म होना है, सिलेबस क्या, मुझे भी समझ में आ गया। रीजनिंग से खौफ खाने की जरूरत है सर, आपने कहा मैथ्स चलो ठीक है 4-5 टॉपिक है, लिमिटेड टॉपिक है, पास्ट ईयर देख लोगे उसमें आपको समझ में आएगा क्या है, पर रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन ये ना बहुत कम एग्जाम ले रहे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन तो बहुत ही कम रेयर एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, एफकैट में भी नहीं आता, एफकैट भी दिया सर मैंने, तो ये चीजें कितना समय ले जाती हैं आपके पास ना, बहुत कम समय सर। आप कहते रहे हो जुलाई में आप कोर्स खत्म करा दोगे, पर जो बच्चे आपके साथ फरवरी से जुड़े हुए थे ना उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, जो आप सीरियस के बाद जुड़े हैं उनके लिए बड़ा ही रिस्की रिस्क लेकर है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये। और ये पृथ्वी बैच मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिकली क्वेश्चन काफी कम आ जाते हैं, एक 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी पहले मतलब 2018 से पहले क्वेश्चन ज्यादा आते थे, एक पूरा बड़ा इन्फॉर्मेशन दिया जाता था उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब ये थोड़ा रेयर हो गया। दूसरा डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सारे लॉजिकल रहते हैं और वो रीजनिंग से रिलेटेड ही रहता है, एक डेटा दिया रहता है, वंस यू अंडरस्टैंड इट, वंस यू आर एबल टू एनालाइज इट, वो तो बेसिकली आपने पहले जो मैथ्स में किया है रेशो प्रोपोर्शन परसेंटेजेस और रीजनिंग में जो समझा है उसी का इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे, एप्लीकेशन है। और एज फार एज रीजनिंग इज कंसर्न, रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग है और रीजनिंग के टॉपिक भी बहुत लिमिटेड है एज फार एज सीएपीएफ इज कंसर्न, और बहुत ज्यादा करने का जरूरत भी नहीं है। जो लॉजिकल रीजनिंग का है, एक तो पहली चीज उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करना पड़ता है, कुछ ही लोगों को जरूरत पड़ेगा, बट वंस यू अंडरस्टैंड लॉजिक इट इज इनहेरेंट इनसाइड अस,
तो वो पैटर्न पकड़ना है, एक बार पैटर्न समझ में आ गया, सेम पैटर्न में ही क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल, मैं सर की बात में ऐड करूं, सर भी शायद एग्री करेंगे, सर ने भी अपने टाइम में ये करा होगा, जब रीजनिंग करते हैं ना शुरुआत में हो सकता है आपको टफ लगे कि ये पैटर्न बन क्या रहा है, बट अगर आपको समझ में आ गया तो विद इन 15 डेज भी आप हो सकता है रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर लें, ज्यादा नहीं लगता, एग्जैक्टली बहुत बड़ा नहीं है वो। ओके नहीं है फेयर इनफ सर, मैं इतनी बात आपकी समझ गया। मैं आपसे ना एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, आपका पृथ्वी बैच है और एक पहले वाला राइट बैच है, शायद पांडा बैच है ऐसा था कुछ, वो पहले स्टार्ट हुआ पांडा बैच, पृथ्वी बैच अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अभी उस बैच में हो क्या रहा है, क्योंकि वहां पर सारे एजुकेटर हैं, या दिव्या मैम भी हैं, शायद आप भी हैं, दो असिस्टेंट कमांडेंट हैं जो ऑलरेडी सीएपीएफ में सर्व कर चुके हैं, ठीक है, और बहुत एलाइट जगह पर सर्व करा है आपने, ठीक है, तो अभी उस बैच की खास बात है क्या, आप लोगों की प्लानिंग क्या है? ठीक है। अभी जो मेरा पृथ्वी नाम का बैच शुरू हो रहा है, 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ये इसमें सारा का सारा सिलेबस जो कवर किया जाने वाला पेपर 1 और पेपर 2, अभी ये बैच में जो एजुकेटर्स है सारे टॉप एजुकेटर्स है। तो इसमें दिव्या मैम है, शी हैज सर्व्ड इन सीआरपीएफ एज असिस्टेंट कमांडेंट, शी इज फ्रॉम माई सेम बैच ऑफ 2012 बैच सीआरपीएफ ऑफिसर, वो इसमें करंट अफेयर्स पढ़ा रही है। इसके साथ साथ और एक ऑफिसर इसमें है, गगन राजपूत सर है, वो सिविल सर्विसेज में भी पढ़ाते हैं, ही इज अ वेरी इमिनेंट फैकल्टी ऑफ सिविल सर्विसेज, उन्होंने यहाँ पे इस बार पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ही इज ऑल इंडिया रैंक 34 ऑफ 2009 सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, ही हैज सर्व्ड इन सीआईएसएफ, वो मेरे सीनियर है सीआईएसएफ के, तो वो भी यहाँ पे पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे बेसिकली अगले 3 महीने का हम लोग का जो स्ट्रेटेजी है ना, बेसिकली कंसोलिडेटेड वे में नो नॉनसेंस अप्रोच रख के आप हमारे ऊपर कंप्लीटली रिलाय कर सकते हो। ये वाला जो बैच है इसमें मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली एक पेपर और एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, पेपर 1 का जनरल साइंस में पढ़ा रहा हूँ। जनरल साइंस में मेरा अप्रोच हमेशा ही, मैं जब भी प्रिपरेशन खुद भी करता था या फिर मेरे स्टूडेंट्स को बताने का भी जब भी समय आता है, माई अप्रोच इज ऑलवेज फोकस टूवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ एनसीईआरटीज, देर इज रीजन बिहाइंड दैट। एज फार एज मैं जनरल साइंस का भी टीचर हूँ, अभी सीडीएस का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके लिए मैंने जो बैच कंडक्ट किया था उसमें आउट ऑफ 32 29 क्वेश्चंस वेर डायरेक्टली फ्रॉम माई बैच। माई बैच मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली दोज क्वेश्चंस वेर डायरेक्टली फ्रॉम द जनरल साइंस एनसीईआरटी 6 to 10। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो गया है, मुझे पता है कि कौन से लाइन से क्वेश्चन आते हैं, मैंने बुक भी लिखी है, तो कौन से लाइन से कैसे क्वेश्चन आता है, आई एम फार मोर एक्सपीरियंस्ड इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन। सो हमारा अप्रोच ये है कि अगले 3 महीने में एग्जाम से पहले आपको कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में, जो एज फार एज जनरल साइंस इज कंसर्न जो आएगा एग्जाम में वो आपको पहले से ही पता होगा, आपको आपने वो पढ़ा हुआ होगा और आपको याद भी रहेगा। एंड जनरल साइंस में वी आर मीन्स प्रैक्टिसिंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किए रहेंगे, सो दैट वी कैन हैव फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग कि यूपीएससी ट्रिक कैसे करता है, क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है, हम लोग गलत कैसे होते हैं और कौन से एरिया के ऊपर फोकस करना है। साइंस में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत डरते हैं क्योंकि वो बोलते हैं सर मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड है, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, और उनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहीं होगा साइंस। बहुत मेरे प्रीवियसली बहुत सारे सीडीएस और सीएपीएफ एस्पायरेंट्स ऑफ नॉन साइंस बैकग्राउंड दे यूज टू स्किप साइंस सेक्शन, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटली अगर आपने देखा सीडीएस में अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन साइंस क्या रहे, सीएपीएफ में अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 क्वेश्चन साइंस क्या रहे। सीएपीएफ में और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि सीएपीएफ में 1 क्वेश्चन के 2 मार्क्स है। So, अगर आपका कट ऑफ 120 लगता है तो अकेला साइंस आपको 50% मार्क दे सकता है, तो ये एरिया तो स्किप करके चलेगा ही नहीं। इनफैक्ट पूरे पेपर 1 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी के आ रहे हैं तो वो है साइंस के, एंड उसमें से 90 to 95% क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 to 10 एनसीईआरटी से, जो हर किसी ने किया हुआ है। सो मेरा अप्रोच एज फार एज साइंस इज ये रहता है कि हम लोग बहुत सिंपल तरीके से जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ध्यान देंगे और एग्जाम में एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, कौन से लाइन के ऊपर आएगा और वो क्या होगा, मैं हर एक लाइन में डिस्कस करता हूँ थ्रू एनसीईआरटी, दैट इज व्हाई माय स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी इजी। सर मैंने आपके अभी ये क्वेश्चन छपे छपाए भी देखे हैं, आप मैं हाँ एक्चुअली काफी यस टाइम से फॉलो कर रहा हूँ मैं, और आज जब आज इंटरव्यू लेने के बाद मैंने कहा फिर से सारा पूरा मैंने एनालाइज किया। खैर मेरे दिमाग में 2 3 सवाल ऐसे हैं, बट मैं ना अभी आपने एक बुक भी कहा, आपने बुक भी लिखी है, मुझे बात ना समझ नहीं आ रही है, बुक तो सर बहुत अच्छी है, दैट्स गुड, बट सर बुक को रेफरेंस में लेके चलना है, मतलब क्या करना है, आपकी तो नई बुक भी आ रही है अभी।
यस बेसिकली मैंने तीन बुक्स लिखे हैं उसके ऑलरेडी, और दोज बुक्स आर स्पेसिफिक टू सीएपीएफ असिस्टेंट कमांड एंड एग्जामिनेशन। तो मेरा पहला वाला बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जिसमें 2021 तक जितने भी सीएपीएफ में क्वेश्चंस आए थे पेपर वन में, वो सारे टॉपिक वाइज सॉल्व और कैटेगराइज्ड है। तो उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिटी ले रहे हो तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट के ऊपर कितने क्वेश्चंस आए, हर एक क्वेश्चन कहाँ से आया और वो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। सो ये बुक को रेफर करते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एस्पायरेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूज करते हैं। मेरा कंप्लीटली ये मानना है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आप क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस को समझो, यूपीएससी कैसे तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन का आंसर आपने डायरेक्टली पढ़ा तो भी चलेगा, आपको बुक को स्टडी करना है, ना कि इसको क्वेश्चन बैंक करके यूज करना है। एज अ क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने के लिए आपने मॉक टेस्ट देना चाहिए, आपने क्वेश्चन पेपर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यूज नहीं करना है। और उसके साथ साथ जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप अपने अपने जो रेफरेंस बुक पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत है, तो लक्ष्मीकांत में मार्क करो, लक्ष्मीकांत में याद करो, वो टॉपिक फिर से पढ़ो। यू विल फाइंड दैट आपके जो एग्जाम में आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके आजू बाजू का चीजें अच्छे से पढ़ा, यू विल फाइंड अराउंड 70-80% क्वेश्चन इन दैट एरिया ओनली। इससे क्या होता है, इसको मैं बोलता हूँ कि दिस इज स्मार्ट वे ऑफ स्टडिंग, रादर देन हम लोग जो डोंकी वर्क करते रहते हैं, पूरा बुक पढ़ रहा है लाइन टू लाइन, इट इज मियर वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। रादर इतना ही ठीक से कर लिया तो एग्जामिनर उधर वही पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन पिक करते हैं हमेशा, भले एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं होगा, आजू बाजू से पूछेगा, लेकिन वही पर्टिकुलर एरिया से, वही पर्टिकुलर चीजों से क्वेश्चन पिक होते हैं। तो वो चीजें करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आसान होता है, भले आप कोई भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो, सीडीएस के लिए सेम थिंग अप्लाइज। दूसरा मेरा बुक है पेपर टू का, जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके बारे में है। तो उसको उसके बेसिकली दो स्ट्रेटेजीज रहते हैं, वन यू नीड टू हैव अ नॉलेज, दूसरा है आपको वो लिखना आना चाहिए। तो ये बुक में मैंने दोनों का कन्फ्लुएंस करने का कोशिश किया है। तो इसमें इंस्ट्रक्शंस भी है कि आप ये क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करोगे, इसका थ्योरी क्या है, इसके पीछे का रैशनल क्या है। और 2013 से लेके 21 तक मैंने सारे क्वेश्चंस पुराने वाले सॉल्व करके दिए हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस भी है। इसमें मोर देन 100 एसेज है, आर्ग्यूमेंट्स है, रिपोर्ट्स है, प्रेसी राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, और अब तक 2013 से लेके 21 तक का जितना भी ग्रामर आया है वो सॉल्व है, और ग्रामर का थ्योरी भी है। सो इट इज काइंड ऑफ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द रेफरेंस ऑफ पेपर टू। एंड तीसरा वाला मेरा जो बुक है, जैसे शुभम सर ने बोला, तो वो वाला जो बुक है इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसमें पेपर वन का पूरा थ्योरी है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जनरल साइंस है, ये सारी चीजें जो दिया हुआ है, और जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटम रीजनिंग। बेसिकली ये बुक हम पांच ऑथर्स ने मिलकर लिखा हुआ है, लेकिन मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये बुक को आप डायरेक्टली सिर्फ खोलो और सिर्फ उससे पढ़ो। बेसिकली दैट बुक विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू रिवाइज योर एंटायर सिलेबस। तो एक जगह पे, तो बेसिकली आप जो नोट्स निकाल रहे हो उसका हम लोग ने बुक बनाया है, जो हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को देते हैं, तो रिविजन करने के काम में आएगा। इवेंचुअली जब 7 अगस्त को एग्जामिनेशन हो जाएगा तो पक्का आप ये बुक को फिर से रेफर कर लीजिए, एंड आई एम श्योर दैट यू विल फाइंड 70% अप्रोक्सिमेटली क्वेश्चन फ्रॉम दैट बुक डायरेक्टली। मतलब वो जो फैक्ट्स है वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, जिसके ऊपर मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, जिसके ऊपर एग्जामिनेशन क्रैक किया जा सकता है, ऐसा हम लोग ने करने का कोशिश किया है। दैट्स गुड, ये तो आपने मतलब बताया कि प्रशांत जगताप सर ने जो अपने खुद के नोट्स बनाए ना उठा के सब रख दिए एक साथ, तो इट्स लाइक सिटिंग प्रशांत जगताप नेक्स्ट टू अस, ठीक है, दैट्स ग्रेट सर। बट मैं आपसे एक सीधी बात करूं, पेपर टू, मोस्ट स्कैरी थिंग इज पेपर टू। पेपर टू एक ऐसी चीज है, ये बच्चों को लगता है यार बचपन में तो नंबर आते नहीं थे, अब यार तुम्हें ऐसे फिर से हो गया। एमसीक्यू में सबसे कम से कम तय तो होता है कि इतना टिक करा तो आना ही आना है, या तो सही भी लगा तो भैया उसको सही नहीं लगा तो तुम्हारा नंबर नहीं देगा वो। और दूसरी बात, आप ये कहते हो कि पेपर आता हो या ना आता हो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, नहीं तो सर दो चार नंबर लेके इंसान करेगा ही क्या, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। आप थोड़ा पेपर टू समझाओ मेरे को, और ये कितने साल पुरानी करंट अफेयर आने वाली है, क्योंकि आप अभी फार्म लॉ की बात भी कर रहे हो, मैं अभी क्लासेस देख रहा था आपकी। तो बेसिकली पेपर टू क्या है, पेपर टू मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, पेपर टू एक्चुअली डिफिकल्ट है ही नहीं, और एज फार एज एसेज आर कंसर्न हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग को किसी ने स्कूल में, मुझे तो किसी ने सिखाया नहीं था कि ऐसे को इस तरह लिखा जाता है, लिखवाते तो थे
चेक भी करते थे, लेकिन क्या चेक करके क्या मार्क्स दिए ये कभी किसी ने नहीं बताया, एंड दैट इज व्हाई वी फाइंड इट डिफिकल्ट. अनदर प्रॉब्लम विथ अस इज दैट व्हाई वी फाइंड पेपर टू डिफिकल्ट इज वी वेर नेवर ट्रेंड टू थिंक, एंड यूपीएससी वॉन्ट्स थिंकिंग इंडिविजुअल्स. यूपीएससी को ऐसे लोग चाहिए जो इंडिपेंडेंटली सोच सकते हो, जो सराउंडिंग में जो भी चल रहा है देश में, देश के आसपास में, उसके बारे में अवेयर हो. सो बेसिकली जो कैंडिडेट्स हैं ये दो चीजों से कंफ्यूज है. एक पहली चीज, लिखे कैसे, मतलब क्वेश्चन है, मुझे पता है इंफॉर्मेशन, लेकिन लिखने का तरीका, ये लिखने का तरीका ये स्टेप बाय स्टेप है. बेसिकली जैसे आप स्विमिंग सीखते हो, जैसे आप गाड़ी सीखते हो, तो पहले उसका थ्योरी रहता है. हम लोग बताते हैं कि एक एक्सेलरेटर है, फिर ये क्लच है, गियर बॉक्स है, ये पेट्रोल है, बटन स्टार्ट करना है, पहले एक स्टेप बाय स्टेप. एंड दिस इज वॉट आई डू इन पेपर टू टू. मैं भी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि निबंध है क्या, निबंध और एसेज मतलब ये क्या है, निबंध, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. और जब आप थ्योरी सीखते हो कि इसको लिखने का एक कन्वेंशनल तरीका है, कि इसमें इट इज ऑलवेज इन अ नैरेटिव फॉर्म, ये पॉइंट वाइज फॉर्म में नहीं रहता, क्यों नहीं रहता ये भी बताया जाता है. तो बेसिक चीजें, वंस द बेसिक्स आर क्लियर टू यू कि क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर में क्या बताना है, एक आर्ग्यू उसका इंट्रोडक्शन रहता है, उसका बॉडी पार्ट रहता है जिसमें हम लोग मेन उसका डिस्कशन या एनालिसिस करते हैं, और सबसे लास्ट में हम लोग फिनिश करते हैं. जैसे हमारा, हम किसी से बात कर रहे तो फोन भी रखते हैं, तो बाय बाय करके ही फोन रखते हैं, अदरवाइज हमें आधा अधूरा लगता है. उसी तरह से यहाँ पे भी कंक्लूजन करना पड़ता है, और किसी से पहली बार मिलते हैं हम लोग हाय करके मिलते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन करना पड़ता है. बेसिकली पेपर टू इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर पेपर चेकर. बस यहाँ पे बीच में इट इज थ्रू अ रिटन कम्युनिकेशन, और एक साइड से आप कर रहे हो, लेकिन उसी वो कम्युनिकेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए आप कर क्या रहे हो, क्या बताना चाहते हो. एंड ट्रस्ट मी, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे जो एसेज है बहुत ही छोटे हैं. 300 वर्ड्स का ऐसे, 3 पेज का ऐसे, एक्चुअली ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर आप 12-15 पेज भी लिख सकते हो, लेकिन 3 ही पेजेस है. उसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि जो 300 वर्ड्स है, हम लोग अननेसेसरी डर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 300 वर्ड्स में लिखेंगे क्या. बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सप्लीमेंट्री वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ मेरा नाम प्रशांत है, माई नेम इज प्रशांत, तो ये प्रशांत, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने के लिए माई नेम इज, ये 3 एक्स्ट्रा वर्ड यूज किए. तो आप समझोगे ये 300 वर्ड में ना, ये एक्स्ट्रा वाले जो वर्ड है ना सपोर्ट करने वाले एक सेंटेंस बनाने के लिए, वही आपके अप्रोक्सिमेटली 200 वर्ड्स आएंगे. ऑल यू नीड इज ओनली 100 कीवर्ड्स व्हाट एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. अभी ये कीवर्ड्स आएंगे कहां से, तो ये कीवर्ड बेस्ड होते हैं आपका जो इंफॉर्मेशन का डेटाबेस है. तो ये इंफॉर्मेशन का मेन डेटाबेस या जिसको नॉलेज बोलते हो, वो 2 सोर्सेस से आता है. पहला है आपने पेपर 1 में जनरल स्टडीज में क्या पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको काम में आने वाला है आपका इंडियन पॉलिटी, तो वहां से आर्टिकल्स आ जाएंगे, आपका शेड्यूल आ जाएगा, पार्ट आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्स आ जाएंगे, वो सारी चीजें आ जाएंगी आपके वहां से. ज्योग्राफिकल डेटा, जो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हुआ है, एनवायरमेंट में आपने जो पढ़ा हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो आ जाता है. हिस्ट्री में आपने जो 1857 रिवॉल्ट, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैसे कॉन्कर कर दिया, वो वाला पार्ट है, फ्रीडम स्ट्रगल है, वो वाला इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे आपका जो एसे है उसको कंप्लीट करने के लिए यूज करना है. दूसरा वाला जो आपको जो इंफॉर्मेशन का नॉलेज का पार्ट आता है, वो आता है आपके करंट अफेयर्स से. तो करंट अफेयर्स, ये पेपर 1 वाले करंट अफेयर्स नहीं है, सीडीएस वाले जिसमें पर्सन सी न्यूज, प्लेसेस सी न्यूज, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स, पर्सनालिटीज, ये वाले नहीं, ये फैक्चुअल करंट अफेयर्स है जो एमसीक्यू में काम में आते हैं. ये वाले करंट अफेयर्स इश्यू बेस्ड करंट अफेयर्स है, एनालिटिकल है. जैसे कि फार्म लॉज, अभी सर ने जैसे बताया, अभी फार्म लॉज इज has always been, farm laws, ये तो पुराना टॉपिक है, लेकिन farmers issue, तो आपको समझ में आना चाहिए कि umbrella टॉपिक क्या है. farmers के साथ जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले से आ रहे हैं, और तब से ही लेके इंडिया का कोशिश रहा है कि फार्मर से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करें. बहुत सारी चीजें की हम लोग ने, ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, पोल्यूशन बढ़ता गया, और बहुत सारी चीजें हैं. तो अभी जो फार्म लॉज आए, तो फार्मर्स वो जो सेक्टर है उसमें रिफॉर्म लाने के लिए लाया. तो ये रिफॉर्म लाने के लिए लाया, व्हाई इट इज रिलेवेंट एंड स्टिल इंपॉर्टेंट, इस बार फार्म लॉज के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फार्मर्स इशू के ऊपर आ सकता है, यस. तो फार्मर्स इशू के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आया, इनफैक्ट पिछले 4 साल में 3 बार क्वेश्चन आया. पहली तो चीज ये न्यूज में था, सो हमें समझना चाहिए कि कौन सा इशू न्यूज में है, नॉट एग्जैक्ट टॉपिक,
कौन सा इशू न्यूज में है? तो फार्मर का इशू न्यूज में है, पहले फार्म लॉज की वजह से, फिर एजिटेशन की वजह से, और तीसरी बार इस बार न्यूज में है कि फार्म लॉज वापस लेने की वजह से। तो जो इश्यूज न्यूज में चलेंगे, जो इश्यूज पब्लिक डिबेट में चल रहे हैं ना, वो इश्यूज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट ऑफ आवर क्वेश्चंस आर 100% प्रेडिक्टेबल। हार्डली कभी ऐसा होता है कि हम लोग एकदम नया टॉपिक यूपीएससी कुछ लाती है, और वो लाना भी नहीं चाहती बेसिकली। इसीलिए यूपीएससी इसको जनरल स्टडीज बोलती है। एक जनरल आदमी के पास जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस होना चाहिए सोसाइटी में जो चल रहा है, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। सो डे टू डे बेसिस पे इधर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई भी करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज पढ़ रहे हो, भले मेरी पांडा वाली जो सुबह 7 वाली बैच है वो देख रहे हो, या किसी का भी न्यूज़पेपर एनालिसिस या करंट अफेयर्स का एनालिसिस आप कर रहे हो, कोई भी मैगजीन भी फॉलो कर रहे हो, तो बाय एंड लार्ज उसमें से ही टॉपिक ऐसे के आते हैं। और उसमें से स्टूडेंट्स इसलिए डरते हैं कि उनको लगता है कि बहुत ज्यादा फैक्ट्स है, इतना फैक्ट मैं याद नहीं रख पाऊंगा। बट ट्रस्ट मी, यूपीएससी डजंट वांट फैक्ट्स। यूपीएससी इतना फैक्ट तो कोई भी नहीं याद रख सकता, यूपीएससी के चेयरमैन भी नहीं रख सकते, मैं भी नहीं रख सकता। सो यूपीएससी चाहता क्या है, वो पर्टिकुलर टॉपिक को आप किस तरह से अपने 300 वर्ड के निबंध में कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली आप उसको एक्सप्लेन करते हो। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स लॉ वाला इशू है, तो आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन में फार्मर्स क्या है, फार्मर्स का पोजिशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है, उससे स्टार्ट करोगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करोगे। उसके बाद फार्मर्स के मेन बॉडी में प्रॉब्लम्स के बारे में बताओगे कि अब तक फार्मर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। फिर आप बताओगे कि नए फार्म लॉज लाए क्यों गवर्नमेंट ने, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम होंगे इसलिए लाए। वो फार्म लॉज क्या है उसके बारे में बताऊंगे जो ऑलरेडी न्यूज में चल रहा है। एंड जरूरी नहीं है आपको सारे के सारे फार्म लॉज के नाम पता होना, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सारे के सारे फार्म लॉज के अंदर के हर एक क्लॉजेस पता होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको जनरलाइज अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आप 3 पेजेस लिखने को बोल रहे हो, 3 पेजेस बहुत बड़े पेजेस होते हैं, और आप कह रहे हो पर्टिकुलर पता हो कोई दिक्कत नहीं है, नाम नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट नहीं याद कोई दिक्कत नहीं है, चेयरमैन को भी नहीं पता होगा। सर फिर लिखना क्या उसमें, तो बड़ा उसमें लिखना है। बेसिकली क्या होता है, उसका जो एक बैकग्राउंड है, अभी फार्मर्स का बैकग्राउंड या किसी का भी बैकग्राउंड है, बेसिकली देश का बैकग्राउंड है। सो 1947 में हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए थे, तब से हम लोग ने फोकस किया एग्रीकल्चर के ऊपर, बट इंडिया का बहुत मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर का था। यही चीजें अल्टीमेटली उधर लिखनी है कि इंडिया वॉज मेजरली एन एग्रेरियन कंट्री, और वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते चला गया, एंड एक्चुअली टर्शियरी सेक्टर में चला गया, और प्राइमरी सेक्टर में पर कैपिटा इनकम कम होते चला गया, पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी कम होते चला गया, बायफर्केशन बढ़ता चला गया। इसके वजह से एग्रीकल्चर इज नो मोर एंड सस्टेनेबल प्रोफेशन, ये आपको सबको ऑलरेडी पता है। एंड दिस इज वॉट यूपीएससी वॉन्ट्स, अ कंप्लीट एनालिसिस, नॉट जस्ट फैक्ट्स। तो अगर यूपीएससी को फैक्ट से पूछना होता तो यूपीएससी ने ऐसे पूछे ही नहीं होते। यूपीएससी ने सीधा क्वेश्चन बोला था, फार्म लॉज के तीन, कौन से 3 फार्म लॉज कॉन्ट्रोवर्शियल है उसके नाम बताओ और उसके अंदर के क्लॉजेस बताओ। दिस इज नॉट यूपीएससी वॉन्ट्स। यूपीएससी वॉन्ट्स एनालिसिस, कि आपको समझ में क्या आया कि गवर्नमेंट करना क्या चाहता है और उसमें फार्मर्स का ऑब्जेक्शन क्या है। सो फार्मर्स के बेसिक 2-3 ऑब्जेक्शन थे, तो एक तो हम लोग को पूछा नहीं गया, दूसरा ऑब्जेक्शन था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात नहीं किया गया, तीसरा ऑब्जेक्शन ये था कि आपने हैस्टिली बिल पास किए उसके ऊपर कोई स्टडी नहीं किया, चौथा ऑब्जेक्शन था कि आप जो क्लेम कर रहे हो तो उसी तरह से बिहार में ऑलरेडी फार्म लॉज आ चुके थे लेकिन फार्मर्स का इनकम बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ये मेनली 4 ही ऑब्जेक्शन के बारे में आपको जनरलाइज वे में बात करना है, एंड दिस इज वॉट यूपीएससी वॉन्ट्स। तो आप हर एक ये कीवर्ड, ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आप सेंटेंसेस बनाने शुरू कर दोगे, आपका ऐसे अपने आप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, डन। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुनने में ऐसा नहीं, ऐसा बना दे, सीपीएफ है ही क्या, निकाल तो लोगे तुम, अच्छा लग रहा है सुनने सर। पर पेपर 150% मार्क्स चाहिए, ठीक है ना, पेपर 2 में कितने चाहिए सर? पेपर 2 में यू शुड बी एबल टू स्कोर मिनिमम 80 मार्क्स अगर आपको सच में एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो। एंड पेपर 2 का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पेपर 2 में 2 मेजर प्रॉब्लम आते हैं। एक तो टोटल अगर देखा जाए, एक एक ऐसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना, तो 300 वर्ड्स इज फाइन, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज विद द टाइम, 20 मिनट्स में 300 वर्ड लिखना इज अ चैलेंज। दूसरा, आपको 4 एसेज, 2 आर्ग्यूमेंट, 2 रिपोर्ट, 1 प्रेसी राइटिंग, 1 कॉम्प्रेंशर, 25 मार्क का ग्रामर, ये पूरा 3 घंटे में करना है। तो आप दो ऐसे तो बहुत अच्छे लिखते हो, तीसरे ऐसे के टाइम पे आपको टाइम ज्यादा लगता है, आप थक गए रहते हो, तो दिस इज द मेन चैलेंज, मैनेजिंग टाइम।
दूसरा आपका रिपीटेशन भी शुरू हो जाता है आइडियाज का इसमें, कि जो पहले ऐसे में लिखा है वही दूसरे तीसरे ऐसे में नहीं आना चाहिए, ये मेजर चैलेंज आता है। और कभी कभी यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं, द प्रॉब्लम विथ कैंडिडेट्स इज दैट दे कैन नॉट इंटरप्रेट द टॉपिक, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि मैं कुछ टॉपिक रट्टा मार के जाऊंगा और वो आएगा, और यूपीएससी को रट्टा मारने वाले कैंडिडेट चाहिए ही नहीं इधर, ना सीएपीएफ में चाहिए ना सिविल सर्विसेज में चाहिए। उनको ऐसे लोग चाहिए कि जो जो पूछा है उसको इंटरप्रेट कर सके, जो समझ सके, और जो उसके ऊपर एनालिसिस करके लिख सके, भले वो सब कुछ बहुत जनरल नेचर का है, इसलिए इसका नाम जनरल स्टडीज है, लेकिन इसके लिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो और टॉपिक को समझेंगे नहीं, देन स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स। और सही है। अटेम्प्ट तो बेसिकली कुछ भी हो जाए 200 मार्क्स का करना है, बिकॉज देर इज नो निगेटिव मार्किंग। सो अगर ग्रामर में कुछ नहीं भी आता तो लिख के तो पक्का आना है। तो जो आता है जनरली ऐसा होता है कि अप्रोक्सीमेटली 160-170 मार्क्स का पेपर आपको आता है, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल है, सारी चीजें न्यूज में है वही आती है। और जैसे आपने पहले पूछा था कि करंट अफेयर्स कब तक का करना है, सो एज फार एज ये एनालिटिकल करंट अफेयर्स इज कंसर्न, ये करंट अफेयर्स कोई 1 साल का 2 साल का करंट अफेयर्स नहीं रहता। वो ऐसा करंट अफेयर्स है, प्रॉब्लम कभी भी शुरू हो गया हो, जो प्रॉब्लम आज भी परसिस्टेंट है, जनरल नेचर के, फार्मर्स इशू है, विमेन्स इशू है, रिजर्वेशन इशू है, अभी नया नया विमेन्स को आर्म फोर्सेस एंट्री वाला इशू है, राइट्स इशू है, इक्वेलिटी है, ये जनरल नेचर के इशू है, डेमोक्रेसी है, ये इशू जब तक सॉल्व नहीं होते इसमें से किसी के भी ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सीएपीएफ में जनरली पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते जो सिविल सर्विसेज में आते हैं, तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स अननेसेसरीली कंसर्न रहते हैं, सो गवर्नमेंट ने नया पॉलिसी आया वो तो हमें पता ही नहीं है, उसके प्रोविजन नहीं पता। सीएपीएफ में क्वेश्चन नहीं आते, पिछली बार भी नहीं आए थे, सो फार्म लॉज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया था, क्वेश्चन आया था फार्म लॉज से रिलेटेड इशू के ऊपर। सो यहाँ पे आपको फॉर्म लॉज के ऊपर कमेंट करना एक्सपेक्टेड ज्यादा था ही नहीं फैक्चुअली। सीएपीएफ में उनको जरूरत नहीं लगता, सिविल सर्विसेज में इसलिए है बिकॉज दे आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट्स एंड दे आर गोइंग इन टू पॉलिसी मेकिंग। सीएपीएफ का सिंपल काम है, ये एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, इनका काम है ऊपर से ऑर्डर आया उनको फॉलो करना, तो इनको यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉलिसी में नहीं भी घुसे तो भी चल जाता है। सो क्वेश्चंस आर प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन यूपीएससी क्या करता है, शब्दों में खेलता है। यूपीएससी डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि 3 फार्म लॉज के प्रॉब्लम बताओ, जो हम लोग जो स्कूल और कॉलेज लेवल में हम लोग को जिसका आदत हो गया है, सो हम लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कंट्रोवर्सी में कौन से लॉज थे, वो लॉज के नाम बताओ, वो लॉज में कौन से कंट्रोवर्सीज बताओ, और उसके ऊपर क्या करना चाहिए बताओ, ऐसा वाला यूपीएससी नहीं पूछता। यूपीएससी सीधा बोल देगा 3 फार्म लॉज कॉन्ट्रोवर्सी एंड द सोल्यूशन टू इट, ऐसा वाला बोल देगा जो एक ही लाइन में खत्म कर देगा, बाकी सब कुछ आप इट विल लीव टू योर इंटरप्रिटेशन। ओके फेयर इनफ, समझ आया मेरे को। बट मेरे को एक बात बताओ आप कि फ्रॉम द टाइम बीइंग जब आप पढ़ाना शुरू करते हो अन अकेडमी पे, पृथ्वी बैच है मान लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, कमेंट बॉक्स में जाएगा, वो बात ठीक है, बट सर आप कहते हो मैं लिखना सिखाऊंगा तुमको, मैं बताऊंगा राइटिंग कैसी होगी, तुम उस पर भरोसा करो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपके एक्चुअल ये वर्ड होते हैं, मैं हर दूसरे तीसरी क्लास में ये सुनता हूँ, बच्चों कॉन्फिडेंस जरूरी भी है मैं मानता हूँ, बट सर दिमाग में ये आता तो होगा अरे सीएसआर पढ़नी चाहिए, अरे प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी चाहिए, अरे भैया वो जो आईएएस वाले होते हैं ना किताबें अलग से पढ़ते हैं खरीद खरीद के ऑथर की, ठीक है वो पढ़नी चाहिए, तब आएगा तुम्हारे दिमाग में कंटेंट, ये क्या है मतलब, ये तो मतलब वैसे सुनने में लॉजिकल भी लगता है ना सर, तो इंसान फॉलो भी करने लगता है, इंडियन एक्सप्रेस को बहुत ज्यादा घोट के पढ़ो, एडिटोरियल का एक एक पहले लाइन समझो, उसको नोट्स बनाओ उसके, ये आप इस बारे में अभी तक हमने कोई बात नहीं की है। मेनली होता क्या है, स्टूडेंट्स जो है जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है, दे टेक गाइडेंस और दे सीक गाइडेंस फ्रॉम अनदर एस्पायरेंट्स, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड वेरी सीरियस प्रॉब्लम। इट इज जस्ट लाइक कि आप कहीं पे पहुंचना चाहते हो और आप दूसरे बंदे से पूछ रहे हो जो खुद भी कभी पहुंचा नहीं है, एंड जो पहुंचा हुआ है ना, आप जो भी सिलेक्ट हुआ है बंदा उससे पूछोगे, वो हर बंदा अपना अपना तरीका बताएगा, लेकिन सारे लोगों ने बोला वही है, एडिटोरियल पढ़ो एक ही न्यूज़पेपर से पढ़ो, या फिर करंट अफेयर्स पढ़ो एक ही मैगजीन से पढ़ो, या फिर करंट एनालिसिस कोई अटेंड करो एक ही सोर्सेस से करो। सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एस्पायरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बोलता है ये अच्छा है, दूसरा बोलता है दूसरा अच्छा है, तो वो नहीं करना चाहिए। आपने
आपके कोई भी टीचर को फॉलो करना जरूरी नहीं है, आपने मुझे ही फॉलो करना चाहिए, उन्होंने जो भी बोला है, एंड ट्रस्ट मी, हर किसी ने, कोई भी आपको मिसगाइड करने का कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो जो बोल रहे हैं ना, एक ही एक को फॉलो करो, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। आप जब तक 10 चीजें कर रहे हो, क्लैरिटी नहीं आएगा। दूसरा चीज जो है कि मैं ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे दिला सकता हूं कि लिखना आ जाएगा। बेसिकली लिखना आपको आता ही है, आप बचपन से लिख रहे हो, आप मदर टंग में भी लिखते हो, इंग्लिश में भी लिखते हो। सो बेसिकली मैं लिखना नहीं सिखाता, सो इट इज मिसअंडरस्टैंडिंग कि मैं लिखना सिखा रहा हूं। बेसिकली मैं सिखा रहा हूं सोचना। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को पहले से आता है, दैट इज व्हाई दे फाइंड दिस एग्जामिनेशन इजियर, क्योंकि वो रिटन एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किए हुए है सिविल सर्विसेज मेंस का, और उनको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस है क्योंकि उनको सोचने का आदत है, तो उनको समझ में आता है लिखना है करके ये। एंड जो सीडीएस सीपीएफ और एफकेट के एस्पिरेंट्स है डेडिकेटेड, या फिर जो एनडीए से आए हुए है, उन्होंने लिखा सोचना कभी नहीं है, और ये सोचना उनको प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो मैं क्या करता हूँ, हाउ डू आई प्रोसीड, तो मेरे पहले शुरुआत के कुछ सेशंस ऐसे रहते हैं जिसमें मैं पहले मेंटल ब्लॉक्स जो है वो ओपन करता हूँ। तो जो आपके मन में बहुत सारे प्रेजुडाइसेस रहते हैं, आपका अपना अंडरस्टैंडिंग रहता है दुनिया का, जो आपके अपने सोर्सेस से बना हुआ है, आपके सराउंडिंग से बना हुआ है, तो मैं आपको एक वर्ल्ड व्यू दिलाने का कोशिश करता हूँ। सो सबसे पहले मैं आपके जो मेंटल ब्लॉक है वो तोड़ता हूँ, तो ताकि आपकी आंखें और खुले, आपका माइंड और ओपन हो जाए और आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़े। दूसरा, मैं आपको ये चीजें बता दूं कि यूपीएससी चाहता क्या है। तीसरा, मैं आपको ये चीजें बताता हूँ, शुरुआत के 4-5 सेशंस में ये चीजें करता हूँ कि यूपीएससी जो चाहता है उसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से पूछ रहा है, ताकि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, यू शुड बी एबल टू रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस। आई कैन अश्योर यू दैट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट डोंट इवन रीड इंस्ट्रक्शंस। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल ग्रामर में, हमारे 6 क्वेश्चन में ग्रामर में सीधा सीधा लिखा हुआ है री राइट बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, री राइट लिखा हुआ है, फिर भी लोग क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक की तरह एक ही वर्ड लिख के आते हैं, री राइट करते ही नहीं है। एंड एज फार एज वेन यू आर गिविंग, वेन यू आर अपेयरिंग इन डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन, एग्जामिनर आपका बहुत इरिटेट हो जाता है, वो बोलता है कि आज ही इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हो, बाद में क्या करोगे, so they tend to penalize you. So if you do not rewrite, your examiner, he or she might cut your half of the marks. 10 mark ka question hai, 5 mark idhar hi cut ho gaye, even if all of your answers are correct. Or trust me, this is not a university examination jahan pe wo sympathy dikhayenge. Yahan pe koi sympathy nahi dikhata, ye narega ki tarah employment guarantee scheme nahi hai, they want best available most talented candidates. तो यहाँ पे कोई सिंपति नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, जिसके मार्क्स आएंगे वो आगे चला जाएगा, जिसके नहीं है वो पीछे रह जाएगा। तो ये जो चीजें समझना है ना, पेपर का नेचर, वंस यू अंडरस्टैंड, जैसे कि हम लोग डेटिंग को भी जाते हैं, कोई लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, तो शुरुआत शुरुआत में क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो हमें भी, मेरा ये कोशिश रहता है शुरुआत में, पहले तो आप पहले जानो, तो फिर डर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग, मेरा एक पर्टिकुलर पैटर्न है पढ़ाने का, मैं सबसे पहले आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट कर देता हूँ। मोस्ट स्टूडेंट्स आर ओनली अफ्रेड ऑफ एसेज, बट आप डायरेक्टली एसे ना लिख सकते हो ना समझ सकते हो, क्योंकि जब तक आप आर्ग्यूमेंट करना सीखोगे नहीं, दोनों साइड से सोचना सीखोगे नहीं, आपका माइंड ब्रॉडनिंग नहीं होगा, तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। सो आर्ग्यूमेंट एक ऐसी चीज है, जब आप सारे डायरेक्शन में प्रोज कॉन्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कंपेरिजन ये सब सीख जाते हो, एक बार वो लिखना सीखा, वो सोचना सीखा, फिर वहां पे एक पैटर्न बताता हूँ मैं, आइडियल आंसर कैसे लिखना चाहिए, मैं सारे आंसर डिस्कस करता हूँ, मैं इसके अच्छे इंट्रोडक्शंस कंक्लूजन्स डिस्कस करता हूँ, मॉडल आंसर्स, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो पैसेज है उसका अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन को आंसर करना हम लोग सीखते हैं। इसमें मेरा तरीका अलग है, मोस्ट एस्पायरेंट जो है वो पहले पैसेज पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है, हमें एक्चुअली क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए और फिर पैसेज पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है, एक बार पढ़ना आपका पैसेज बच जाता है। दूसरा, आपको क्वेश्चन क्या है और कहाँ पे क्या पैसेज में क्या ढूंढना है पहले से ही पता है, यू विल फाइंड इट मोर इजियर। तो मेरे ऐसे कुछ इनोवेटिव तरीके है। सेम इसके बाद हम लोग प्रेसी राइटिंग सीखते हैं, प्रेसी राइटिंग में आप सीखते हो कि आप तो सरकारी स्कूल से है ना? हाँ, यस। आपके पेरेंट्स भी फार्मर्स थे? यस। तो आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस कैसे आया?
मुझे इंग्लिश में कॉन्फिडेंस कर करके आया बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते देते. वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस, आई लर्न थ्रू बेसिकली फेल्यूअर्स. तो मैंने काफी एग्जामिनेशन दिए थे, मेरा इंडिया पहले निकला नहीं, आई वेंट टू मेडिकल स्कूल, उसमें भी पहली बार नहीं हुआ. तो बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन मी इज परसिस्टेंस, परसिवरेंस, एंड उसके साथ मिस्टेक्स से सीखना. मिस्टेक्स मैंने बहुत किए एंड इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मिस्टेक नहीं करना चाहिए और हमेशा मिस्टेक से सीखना चाहिए, जो मैंने हमेशा सीखा एंड इसीलिए यहां तक पहुंच गया पाया. आई डिड 3 क्लास 1 गैजेटेड जॉब्स एंड एज फार एज ये वाला पैटर्न है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है वो देखोगे, देन आपको सीखना आसान हो जाता है. बेसिकली इतना मुश्किल नहीं है. ये पैसेज का लेवल भी अप्रोक्सीमेटली 11 12th लेवल का ज्यादा से ज्यादा होता है. मोस्ट ऑफ मींस ऑल ऑफ अस आर ओनली ग्रेजुएट्स. So, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए. बिल्कुल नहीं, मैंने इसलिए ही ये सवाल पूछा था, जब सर ने दिया होगा ना सर को, तब भी इंग्लिश में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ. ठीक है ना, इतना मुश्किल है नहीं. इंग्लिश आते ही 25 नंबर का है. आप थोड़ा भी ध्यान दोगे ना तो भी हो जाएगा. मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है, मैंने पेपर देखा है वो. 25 क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन. बहुत लॉजिकली अगर आप लगाओगे थोड़ा बहुत अपने रिपोर्ट स्पीड, डायरेक्ट स्पीड. और खास बात यही, सीडीएस में तो इतनी बेशर्मी है कि बदल देते हैं फॉर्मेट. CAPF नहीं बदल रहा है फॉर्मेट. उसने कहा कि वो रिपोर्ट स्पीड देगा तो देगा, ऐसा नहीं है कि अब नहीं दे रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, अब एक्टिव पैसे दूंगा मैं. CDS बदल देता है, कभी स्पेलिंग देता है, कभी कुछ देता है. ये हाँ ऐसा नहीं होता. ओके सर, हमने बहुत कुछ बात कर लिया. अभी बच्चों को नोट्स बनाने कैसे हैं? अभी आपकी क्लास में पहुंच गए, अभी वो क्या करें सर के नोट्स में कैसे बनाए? सो आइडियली मैं दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, एक साइंस है. एज फार एज साइंस इज कंसर्न, माई रिकमेंडेशन इज बुक खरीदो, बुक को साथ में लेके बैठो, या मैं जो PDF दूंगा मार्क करके उसी में खरीदो. मतलब मैं खुद जब भी पढ़ता था, मेरा ये मानना था कि नोट्स एज लॉन्ग एज आप खुद बना रहे हो तब तक सही वर्क करता है. आप रेडीमेड नोट्स जब खरीदते हो और उसको अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़े या रेफरेंस मटेरियल नहीं पढ़ा, तो दोज नोट्स डू नॉट मेक एनी सेंस अंटिल एंड अनलेस आप बिना लॉजिक लगा के उसको मगअप कर सकते हो. अगर ये मगअप नहीं कर सकते, पूरा रट्टा नहीं कर सकते, तो नोट्स कुछ काम के नहीं, रेडीमेड वाले नोट्स. इसीलिए पहले आप जब पढ़ रहे हो तो उससे करना चाहिए. एज फार एज साइंस इज कंसर्न, मैं साइंस के PDF थ्रू ही सिखाता हूँ NCERT के. उससे फायदा क्या होता है, उसमें इमेजेस रहता है, उसमें मैं लाइन बताता हूँ कि कौन से लाइन के ऊपर क्या क्वेश्चन आया, उसमें कौन सा वर्ड है. मैं मार्क करके देता भी हूँ और मेरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपने बुक में मार्क कर देते हैं. तो उससे क्या होता है, साइंस के अलग से नोट्स बनाने का जरूरत ही नहीं है. जो भी मैं एक्स्ट्रा मटेरियल बताता हूँ साइड में लिखते जाना है एंड दे फाइंड इट वेरी इजी टू रिवाइज एंड दे विल रिमेंबर एवरीथिंग. तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो रिवाइज करेंगे, उनको सिर्फ जितना मार्क किया हुआ है उतना ही पढ़ना है और उसी के बीच में से क्वेश्चन आते हैं. Okay. As far as paper 2 is concerned, मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स ने नोट्स निकालने ही नहीं चाहिए, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम. उसके कुछ रीजंस है. पहली चीज, एस्पायरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है पेपर 2 क्या है. दूसरा चीज, वो बहुत ज्यादा और बहुत इरेलेवेंट नोट्स निकालते हैं. तीसरा चीज, वो पर्टिकुलरली वही एरियाज के ऊपर फोकस करते हैं जो उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं, और जो मेन एरियाज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जो उनको पता है कि जो आसान है वो कर सकते हैं, उसको वो निग्लेक्ट कर देते हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. सो एज फार एज पेपर 2 नोट्स आर कंसर्न, मैं जितना मेरे क्लास में करा रहा हूँ, बेसिकली पेपर 2 इज नॉट अबाउट नोट्स. पूरा नोट्स आपके इधर ही है, कीवर्ड्स है, वो आप सीख जाते हो. उसके अलग से ना नोट्स बनाने का जरूरत नहीं. आप सेशन अटेंड करोगे, आपको कोई नोट्स का जरूरत नहीं पड़ेगा. नोट्स आप शुरुआत शुरुआत में करते भी हो, इवेंचुअली प्रैक्टिस इतना बढ़िया हो जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली स्लोली हो जाता है. जैसे कि आपने गाड़ी चलाना सीखा, तो शुरुआत शुरुआत में हम लोग सारी चीजें रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं, मेमोराइज करते हैं, जैसे कि. लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, जैसे कि आपको अभी पता नहीं होगा कि आपने चलना कैसे सीखा. आपने एक पैर उठाया, चला, हम लोग गिरे भी है, लेकिन गिरते गिरते बैलेंस करना सीख गए. ऐसा करते करते ये आपको बेसिकली आपका मेंटल डेवलपमेंट ऐसा हो जाता है कि आपको वो करने करने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता. पेपर 2 इज लाइक दैट. और पेपर 2 का सबसे बड़ा डर इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स लिखते नहीं है, वो पढ़ते ज्यादा है. पढ़ने से नहीं होगा. जैसे कि आप स्विमिंग के बारे में बुक पढ़ने से आप स्विमिंग नहीं सीख सकते, आप स्विमिंग के बारे में वीडियो देखने से आप स्विमिंग नहीं सीख सकते,
उसी तरह पेपर टू इज जस्ट लाइक दैट, इट इज अ मेंटल ट्रेनिंग अंटिल अनलेस यू स्टार्ट राइटिंग ऑन योर ओन. शुरुआत में गलतियां होती हैं, तो मैं छोटे छोटे पैसेजेस से, छोटे छोटे टॉपिक से जाता हूँ. जैसे कि मैं पिछले क्लास में मैंने एक टॉपिक दिया था चॉकलेट के बारे में लिखो, जो मन में आए लिखो. तो ऐसी कोई चीज है नहीं ना चॉकलेट के बारे में, ऐसा दे फाइंड इट वेरी इजी तो लिख देते हैं. और माय स्टूडेंट्स जो जिनको लगता है कि मुझे लिखना नहीं आता, दे गेट शॉक कि मैंने एक पूरा पेज लिखा वो भी इंग्लिश में. एंड दिस इज हाउ द कॉन्फिडेंस गेट्स बिल्डेड. तो जब वो लिखना शुरू कर देते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको समझ में आता है कि इट इज मेनली अबाउट द नॉलेज जो हम लोग दूसरे क्लासेस में कवर कर रहे हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद एक्चुअल राइटिंग एबिलिटीज. सो धीरे 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 ये हो जाता है. और एक एक पार्ट कंप्लीट कर दिया तो नेक्स्ट पार्ट में बाकी चीजें आसान हो जाती है. नेक्स्ट पार्ट और चैलेंजिंग है. सो विद इन 2 to 3 months माय स्टूडेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल विद पेपर टू. मोस्ट इंपोर्टेंटली जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ वही टॉपिक एग्जाम में आने वाला है. इसमें कोई ना मिरेकल है, कुछ नहीं है. हम लोग का एक्सपीरियंस अभी ऐसा हो गया है कि हमें पता है कि बेसिकली सीएपीएफ में जो टॉपिक आ सकते हैं ना 100-150 ही है, और हम लोग क्लास में 100-150 टॉपिक ऑलरेडी कर रहे हैं. और उसमें से भी एक्चुअली 30-40 ही जेनेरिक टॉपिक है जिसके आसपास में आते हैं. तो लिखने का, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पॉलिटिकल इश्यूज देखें तो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर कोई भी ऐसे आ जाए, अंदर लिखने वाली चीजें बहुत नहीं बदलती, 50-60% मैटर सेम रहता है. सो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि इट इज लाइक बिकमिंग अ गुड शेफ, खाना बनाना सीखना है. रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, सेम रॉ मटेरियल है. एक अच्छा शेफ बहुत अच्छा खाना बनाता है, और जो इनएक्सपीरियंस्ड है वो बहुत ही भद्दा खाना बनाते हैं. इट इज नॉट अबाउट रॉ मटेरियल, इट इज अबाउट एक्सपीरियंस. कब कहाँ पे क्या डालना है, कैसे डालना है, और प्रोसेस कैसे फॉलो करना है. एंड बार बार करने से, लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट मेथड. आप गाड़ी सीख रहे हो, आप पेपर टू कर रहे हो, ये कर रहे हो, एंड दिस इज एग्जैक्ट सेम मेथड दैट इज बीइंग फॉलोड बाय ऑल द एक्सपर्ट्स. एक कोई पेंटर भी पेंटिंग भी करता है दुनिया में, कोई भी जाना माना, वो प्रैक्टिस करते हैं. उनमें भी बहुत सारे पीसेस खराब हो जाते हैं, दे ट्राई. कुछ चीजें जो खराब होती है वो डिस्कार्ड करते हैं. सेम गोज विद द फोटोग्राफर, सेम गोज विद द जो सिनेग्राफर है, सिनेमाटोग्राफर है, वो लोग भी शूट करते हैं, अगर नहीं वर्क होता तो. सेम गोज विद द एक्टर्स, वो कट करते हैं फिर से इंप्रूवमेंट करते हैं. एंड दैट इज व्हाट, हाउ, दैट इज हाउ यू शुड डू इट. यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ ट्राइंग, इट्स ओके. कितना भी गलती हुआ तो भी चलता है, एज लॉन्ग एज वी आर अंडरस्टैंडिंग कि गलती हो रहा है और समझ में आता है, नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करो. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ऐसे लिखना नहीं आता, पहली बार ऐसे लिखा सर, कुछ नहीं लिखा, आधा पेज ऐसे लिखा है. मैं बोलता हूँ ठीक है, लिख लिया ना, अभी मैं चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बताता हूँ, गूगल कर लो, फिर से लिखो. फिर ये आधा पेज का अपने आप एक पेज हो जाता है, क्योंकि उनको पता है अभी क्या लिखना है. फिर मैं बोलता हूँ अभी लिख लिया, अपना लिखा हुआ पढ़ो और फिर से एक बार लिखो कि आपको जो चेंज होता है. ये 1.5 से 2 पेज हो जाता है. एंड दिस, वंस यू क्रॉस वन पेज, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. आपको एक चीज पता चल जाती है कि दिस प्रोसेस वर्क्स, देन यू हैव फेथ. और जब आपको फेथ आ जाता है कि नहीं सर जो बोल रहे हैं ये वर्क होता है. मैं हमेशा बोलता हूं कि जो लिखेगा वही टिकेगा. तो जो लिखता है और लिखने के ऊपर एक बार फेथ आ जाता है, देन कॉन्फिडेंस आ जाता है. सेम टॉपिक एग्जाम में आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं, सो एग्जामिनेशन फिर इजी हो जाता है. इट इज नॉट बेसिकली रॉकेट साइंस. सिविल सर्विसेज, टीचिंग फॉर सिविल सर्विसेज इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी अनप्रेडिक्टेबल. सीएपीएफ इज प्रेटिक प्रेडिक्टेबल एंड प्रेटी इजी. प्रेटी इजी आप बोल रहे हैं तो प्रेटी इजी लग रहा है. एंड आई होप कि इनको भी लग रहा होगा. बिल्कुल सर, मुझे एक बात बताओ, पृथ्वी बैच है, अब स्टार्ट हो ही गया है बस, ठीक है. बच्चों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कूपन कोड सब, डिस्काउंट को भी सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा. पर मैं बता चाह रहा हूँ कि अभी जैसे आप फरवरी वाला आप जुलाई में खत्म कर रहे थे, ये वाला कब खत्म कर हुआ? ये वाला बैच, मेरे वाला सिलेबस साइंस का और इसका 20th of July इज द टारगेट, द एंड, खत्म. हाँ, यस यस, क्योंकि स्टूडेंट्स विल नीड एटलीस्ट 15 days फॉर रिविजन. एज फार एज साइंस इज कंसर्न, बेसिकली मैं जो 2 सब्जेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ साइंस के लिए रिविजन लगेगा, पेपर 2 के लिए रिविजन करने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें रिविजन करने जैसा कुछ होता नहीं है. ये तो जैसे कि आप, आपको गाड़ी चलाना है तो आप रोज रिविजन थोड़ी कर रहे हो, तो वैसा ही आप कंटिन्यूस लिख ही रहे हो, तो अलग से रिविजन करने का जरूरत नहीं पड़ता उसके बाद. ओके सर, दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच. आपने बहुत टाइम दे दिया, 1 घंटा आपने पूरा दे दिया, थैंक यू सो मच. बहुत ही बढ़िया था सर, थैंक यू सो मच. जय हिंद सर. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. मैं उनको रोज़ भेजता हूँ,
मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगोड़ा।